प्रियंका चोपड़ा अब सिर्फ बॉलीवुड का ही नहीं हॉलीवुड का भी जाना माना नाम बन चुकी हैं। प्रियंका ने एक ग्लोबल स्टार के तौर पर अपनी पहचान स्थापित की है और इसमें कोई शक नहीं है कि अब देश में ही नहीं विदेशों में भी उनके भारी संख्या में फैन हैं। आज लाखों दिलों पर राज करने वाली प्रियंका चोपड़ा को भी कभी बॉडी शेमिंग और अपने रंग को लेकर भेदभाव का सामना करना पड़ा था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने साथ हुए बुरे व्यवहार का खुलासा किया है उन्होंने। ऐसे में उन्होंने बीबीसी से बातचीत में बॉलीवुड में अपने साथ हुए रंग भेद का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें मेल एक्टर्स की तुलना में कम भुगतान किया जाता था, सेट पर घंटों इंतजार करना होता था और अपने रंग को लेकर भी कड़वी बातें सुननी पड़ती थी। प्रियंका कहती है, मुझे काली बिल्ली और सावली कहा जाता था। मेरा मतलब है सावली क्या होता है, वो भी उस देश में जहां सभी ब्राउन है। मुझे लगने लगा था कि मैं सुंदर नहीं हूं। मैं सोचती थी कि मुझसे दूसरों से ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जबकि मुझे विश्वास था कि मैं अपने से हल्के रंग वाले एक्टर्स से ज्यादा टैलेंटेड हूं। लेकिन मुझे लगता था कि सब ठीक है क्योंकि यही सामान्य माना जाता है। बता दें, प्रियंका चोपड़ा ने 2002 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने तमिल फिल्म थिमिजहान से डेब्यू किया था।